ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टोटके बताऊंगा जिनको करने से बुखार एकदम चला जाएगा, यानी कि रोग निवारण के कुछ टोटके। हर मनुष्य की कुछ मनोकामनाएं होती हैं, कुछ लोग इन मनोकामनाओं को बता देते हैं तो कुछ लोग नहीं बताते। चाहते सभी हैं कि उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण हों, मगर रोग निवारण के यह कुछ टोटके करके आप लोगों का रोग तो निवारण होगा ही, साथ ही साथ आप लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो लगातार बुखार आने पर, यदि किसी को लगातार बुखार आ रहा हो और कोई भी दवा असर नहीं कर रही हो, तो आग की जड़ लेकर उसे किसी कपड़े में कस कर बांध लें, फिर उस कपड़े को रोगी के कान से बांध दें, बुखार उतरने लगेगा। अगला टोटका, इतवार या गुरुवार को चीनी, दूध, चावल और पेठा, कच्चा पेठा, सब्जी बनाने वाला पेठा जो कि होता है, वह लोग आप ले लें, अपनी इच्छा अनुसार लें और उसको रोगी के सर पर से उतारें। याद रहे कि आप रोगी के सर पर से 7 बार उसको उतारा करें और किसी भी धार्मिक स्थान पर जहां पर लंगर बनता हो वहां पर दान कर दें, बुखार उतरने लगेगा। यदि किसी को टाइफाइड हो गया है तो उसे प्रतिदिन 1 नारियल पानी पिलाएं, कुछ ही दिनों में उसको आराम मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा रोगी ग्रसित है किसी ना किसी रोग से, तो सोते समय अपने सिरहाने पूरब की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख दें, धीरे धीरे उस रोगी की तबीयत ठीक होने लगेगी। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।